नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन प्रीमियर लीग अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। शुक्रवार 30 अक्टूबर को सीजन 13 का 50वां मैच किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। किंग्स इलेवन पंजाब आईपीएल मैच में शुक्रवार को जीत के अपने अभियान को कायम रखते हुए प्लेऑफ की ओर कदम बढ़ाने के इरादे से उतरेगी, जबकि राजस्थान रॉयल्स के लिए करो या मरो का मुकाबला होगा। टूर्नामेंट की शुरुआत में लगातार हार का सामना कर रही केएल राहुल की टीम ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया है। टीम ने लगातार 5 मैच जीत कर टॉप 4 में जगह बना ली है। फिलहाल वो 12 मैचों में 12 पॉइंट्स लेकर चौथे स्थान पर हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स 12 मैचों में 10 पॉइंट्स लेकर सातवें स्थान पर है। राजस्थान के लिए अब भी प्लेऑफ की दौड़ मुश्किलों से भरी हुई है। मुंबई इंडियंस अब तक अकेली टीम है जिसके 16 अंक हो चुके हैं, बाकी 6 टीमों के लिए मैदान अब भी खुला है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स दौड़ से बाहर हो चुकी है। राजस्थान रॉयल्स अगर शुक्रवार को पंजाब से हारती है तो वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी, जबकि अगर पंजाब मैच हारती है तो उनकी भी राह मुश्किल हो जाएगी। पंजाब को टूर्नामेंट में अब तक 600 के करीब रन बना चुके राहुल से उसी प्रदर्शन की उम्मीद होगी। तीसरे नंबर पर गेल ने तो कमाल ही कर दिया है। इंजरी की वजह से 2 मैचों से बाहर रहे मयंक अग्रवाल इस मुकाबले में लौटते हैं नहीं, ये देखना होगा। उनकी जगह पर ओपनिंग करने आए मनदीप सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पारी की शुरुआत करते हुए नाबाद 66 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई थी। पिछले कुछ मैचों में मोहम्मद शमी की अगुवाई में पंजाब की गेंदबाजी शानदार रही है। अर्शदीप सिंह और क्रिस जॉर्डन के साथ साथ स्पिन डिपार्टमेंट में मुर्गुन अश्विन और रवि बिश्नोई ने भी कमाल का प्रदर्शन किया है। टीम इस मुकाबले में भी अपने प्लेइंग 11 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगी। दूसरी ओर टॉप पर काबिज मुंबई को हराने के बाद राजस्थान के हौसले भी बुलंद हैं। बेन स्टोक फॉर्म में लौट चुके हैं, जिन्होंने मुंबई के खिलाफ नाबाद 107 रन बनाए थे। संजू सैमसन ने भी कोई लय हासिल कर ली है, जबकि कप्तान स्टीवन स्मिथ और बटलर का खराब फॉर्म रॉयल्स की ओर जरूर अखर रहा है। गेंदबाजी टीम की कमजोर कड़ी नजर आ रही है। जोफ्रा आर्चर की अगुवाई में राजस्थान की गेंदबाजी अब तक औसत ही नजर आई है। आर्चर ने 12 मैचों में 17 विकेट लिए हैं, लेकिन बाकी गेंदबाजों से उन्हें सहयोग नहीं मिला है। पिछले मैच की ही बात करें तो मुंबई के खिलाफ टीम ने 10 ओवर तक ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, लेकिन अंतिम ओवरों में टीम ने जमकर रन लुटाए थे। टीम गेंदबाजी के विभाग में कुछ बदलाव जरूर करना चाहेगी। तो चलिए नजर डालते हैं क्या हो सकती है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। कोलकाता की संभावित प्लेइंग 11 में केएल राहुल कप्तान, मनदीप सिंह, क्रिस गेल, ग्लेन मैक्सवेल, निकोलस पूरन, दीपक हुड्डा, क्रिस जॉर्डन, मुर्गुन अश्विन, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई। राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 बेन स्टोक्स, रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ कप्तान, जॉस बटलर, राहुल तेवतिया, रियान पराग, जोफ्रा आर्चर, कार्तिक त्यागी, श्रेयस गोपाल और अंकित राजपूत। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।